हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। रेशो एनालिसिस हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स एंड इनकम स्टेटमेंट देखा, और जिसमें हमने दो रेशो के फॉर्मूले हमने समझे हैं, लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो। देन आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। दिस इज बेस्ड ऑन सेल्स बेस्ड ऑन कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑन कैपिटल। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। समझ में आ रहा है यहाँ तक तो हमें थोड़ा सा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना है, तो किसका हम एनालिसिस करते हैं? ऑब्वियसली किसी कंपनी का, कि किसी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये मेन इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स जो होते हैं किसी कंपनी में, वो इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर देखते हैं कंपनी की, और उसी के बेस पे और दूसरी कंपनी का वो क्रॉस चेक करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, और जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बातें से ये इंडिकेट होता है कि उस कंपनी वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है, तो मतलब अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो हम इन्वेस्टमेंट तो करने के पर्पज़ से चेक करते हैं, इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों चेक करते हैं? क्योंकि क्रेडिटर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट परचेज करती है, तो कोई भी क्रेडिटर्स उन्हें क्रेडिट सेल तभी करेगा जब वो सामने वाली पार्टी को देखेगा कि हाँ ये कैपेबल है, ये मेरा फंड आज नहीं तो कल ही मुझे रिफंड हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, कैश रिफंड हो जाएगा, इसकी पोजीशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इसका अच्छा है। तो मेन बेसिक इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो चेक करते हैं। बैंक भी चेक करती है, जब कंपनी लोन के लिए डिमांड करती है, बैंक के सामने बताती हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लोन चाहिए, इस पर्पज से लोन चाहिए, तो बैंक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा हो भी रहा है, इसको अर्न कहीं लॉस में तो नहीं जा रही है ना, क्योंकि सब चीज़ सेटिस्फाई होने के बाद ही बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। फाइन, अब थोड़ा सा हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो profitability ratio focus on a company, obviously company पर focus रहता है कि profitability ratio focus on a company return on investment। समझ में आया return on investment कि किसी भी organization में अगर किसी भी project में investment किया है तो उससे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड अदर असेट्स। फाइन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फोकस ऑन ए कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड अदर असेट्स की किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स मतलब लॉन्ग फिक्स असेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वो असेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल रहती है। और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इसी से ही फाइनल प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, तो उन सब में इन्वेस्टमेंट करना होता है, मनी लगाना होता है, तभी हमें रिटर्न मिलता है। तो कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया और कितना हमें उसमें रिटर्न मिल रहा है। तो देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फोकस ऑन ए कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड अदर असेट्स। दिस रेशियो बेसिकली
दिस रेशियो बेसिकली शो हाउ वेल कंपनी कैन अचीव प्रॉफिट फ्रॉम देयर ऑपरेशंस फ्रॉम देयर ऑपरेशन। सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से ही बिजनेस करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं है, चैरिटी पर्पस होता है। बट ये हम रेशियो एनालिसिस प्रॉफिट अर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मेन पर्पस होता है, उसके लिए हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो दिस रेशियो बेसिकली शो हाउ वेल कंपनी कैन अचीव प्रॉफिट फ्रॉम देयर ऑपरेशंस। की जो भी एक्टिविटीज कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो एक्टिविटीज जो भी ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, उसे कितना अचीव हो रहा है प्रॉफिट, हो भी रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और किसके प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फाइन, नेक्स्ट एक चीज़ हम बता रहे हैं कि इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी को चूज करते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा हमें बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा मिल रहा है, कौन सा अच्छा हमें डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। उसके लिए हमें रेशियो एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, कैन यू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टू जज अ कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI समझ में आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड परफॉर्मेंस फाइन। तो इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स कैन यूज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टू जज अ कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लेते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब इसके हम फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल। बेस्ड ऑन कैपिटल, अब ये फॉर्मूले जो कि कैपिटल पर बेस्ड है। सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले ध्यान से समझिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, समझ में आया? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको ध्यान है हमने यहाँ पे ये बनाया था स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा निकला था ग्रॉस प्रॉफिट में से, फिर हमने लेस किया तो अदर इनकम, एंड फाइनली हमें यहाँ तक आना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब ये यहाँ पे हमारे इसका यूज होगा, प्रॉफिट बिफोर मतलब टैक्स और इंटरेस्ट में, अभी इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, उससे पहले का ये प्रॉफिट है। इसमें इंटरेस्ट हमने पे किया किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, फिर उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सारे एक्सपेंसेस इंटरेस्ट और टैक्स पे होने के बाद आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें से सबसे पहले हमें प्रेफरेंशियल होल्डर को डिविडेंड देना होता है, जो कि फिक्स्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड होता है। देन उसके बाद जो भी अर्निंग्स है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स में से कुछ रिटेन कर लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देन अब हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में फॉर्मूला देख लेते हैं।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमें चाहिए EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिवाइडेड, अब इसके नीचे क्या आएगा? बेस, मतलब बोल हम अगर सिंपल में बोले बेस, रिटर्न ऑन, ऑन मतलब किस किसके ऊपर EBIT का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को EBIT, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेस हमारा क्या है? मैंने कहा था बेस को हम रेड कलर कर देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया ऑन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न मतलब मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न से सिंपल हम बोले कि हमने किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, तो बदले में मुझे उसे कितना मिल रहा है। सपोज मैंने अगर किसी भी प्रोजेक्ट में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए या किसी भी कंपनी में, अगर मुझे 1000 रुपीज़ ही मिल रहे हैं तो वो कोई प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा। उससे मुझे 150 या 120 जितना भी है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम चेक करते हैं कि उसने कितना अर्न किया है बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेस कैपिटल एम्प्लॉयड, हम इसका बेस रखेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से समझिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, EBIT टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बेस रहेगा डिवाइडेड के नीचे रहेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स, टोटल असेट्स माइनस सब्ट्रैक्ट करंट लाइबिलिटी। देखिए ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉय टोटल असेट्स, टोटल असेट्स फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, और आपने फिक्टिशियस असेट्स का भी नाम सुना होगा। फिक्टिशियस असेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो को हम लेस कर देंगे। टोटल असेट्स में फिक्टिशियस असेट्स नहीं आएगा। तो टोटल असेट्स में बेसिकली फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स और माइनस करंट लाइबिलिटी, देन हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसका एक और मेथड है, और फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये दो तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, टोटल असेट्स मीन फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। और नेक्स्ट इसका एक और ऑप्शन है कैलकुलेट होने का, फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा? वर्किंग कैपिटल करंट
करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। फाइन कि फ्रेंड्स एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो हमने क्विक रेशियो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि मोस्ट कॉमन रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, चेंज कुछ नहीं है। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, तो कंफ्यूज ना हो आप। जो क्विक रेशियो का जो प्रण यहाँ पे यूज हो रहा है, आपने सोचा होगा एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विड रेशियो क्या होता है, तो वो यही चीज होती है। तो क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। फाइन, जैसे कैलकुलेट हुआ है वैसे ही होगा। क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो जो यहाँ पे लिक्विड असेट्स वही जैसे हमने कैलकुलेट किया सेम एज इट इज होगा, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ उसका नाम है। कई बार ऐसा रहता है कि एसिड टेस्ट रेशियो बताइए या लिक्विड रेशियो, तो यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, देन ये हमारा हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। इसका एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, कैपिटल एम्प्लॉय। अच्छा एक बार बताइए, कैपिटल एम्प्लॉय थोड़ा टफ लग रहा हो कि है क्या चीज़? देखिए कैपिटल, कि हम किसी भी कंपनी, आपने शेयर्स का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, हम किसी कंपनी के परचेज करते हैं तो हमें सबसे पहले अलॉ एप्लीकेशन, हमें फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर अलॉटमेंट होता है। तो जिस तरीके से हम कंपनी के शेयर्स खरीदते, हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल इस तरीके से हम कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करें तो कंपनी को इनडायरेक्ट वे में पैसा मिल रहा है, तो हम कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। अगर हमने इक्विटी खरीदा तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस खरीदा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो वही कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि किस तरीके से ये हमें शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों आ जाएंगे। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर दो चीजों से मिलकर बनता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। देन शेयर होल्डर फंड एड लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। फाइन, तो कैपिटल एम्प्लॉय शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, देन इसमें एक चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट ना करके किसी अदर पर्पस में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इसमें से लेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉय तीन तरीके से कैलकुलेट किया हमने, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बन गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। एक चीज आपने नोट करी, यहाँ पे हम हर जगह रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन, तो रिटर्न ऑन इसलिए क्योंकि हम यही देख चेक कर रहे हैं कंपनी का कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स कितना है। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, अब यहाँ पर हमें, यहाँ पे हमने यूज किया था ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम यहाँ पे लेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम यहाँ पे
EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स मींस ये वाला, दिस वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइन। तो इसके अंदर इंटरेस्ट लेस हो गया, रेवेन्यू टैक्सेशन लेस हो, नेट हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है। अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में स्लैश कर देती हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब डिवाइड में क्या आएगा? अब देखिए, रिटर्न ऑन, यहाँ पे हमने देखा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो ऑन में कैपिटल एम्प्लॉय था। अब रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, ऑब्वियसली ऑन में क्या होगा? टोटल असेट्स होगा। फाइन, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स में क्या आएगा? करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। सी ए करंट असेट्स प्लस एफ ए फिक्स्ड असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ये थोड़ा मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको और बता दिया है। तो टोटल असेट्स करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स, तो रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। फाइन, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। करंट असेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि करंट असेट्स में हम क्या क्या लेंगे, कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, प्रिपेयर एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स देख लिया हमने कंपनी का, अब हम क्या देखना चाहते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज इट इज ये आ जाएगा। अब बेस में क्या आएगा बताइए? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हमने लिया इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं आएगा। फाइन, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स ईएटी, या इसे हम पीएटी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड, मतलब बेस हमारा क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो हमें बेस का यही मेन फंड है कि नीचे डिवाइड में क्या आएगा, क्या पूछा जा रहा है? रिटर्न ऑन टोटल है तो ऑन नीचे ही आ गया, ऑन इक्विटी तो ऑन ईएटी, इसके बेस में निकाले। अब लास्ट हमारा एक चीज है जो पूछा जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम थिंग। अब यहाँ पे आपको गैस हो गया होगा कि नीचे क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ऑन पूछा जा रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे हमने देख लिया है कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जितना हम कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स एंड फाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली हमसे यही चीज़ पूछी जाती है। अब एक चीज़ आपको इन नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ, शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड भी पूछ लिया जाता है। तो शेयर, अगर हमसे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड पूछा जाएगा तो बताइए क्या होगा? रिटर्न ऑन शेयर मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आपने फ्रेंड्स नेटवर्थ, नेटवर्थ मीनिंग पता है? नेटवर्थ क्या होता है? हम पूछे ना कि तेरी वर्थ कितनी है, हम या तो कंपनी की वर्थ क्या है, तो कंपनी की वर्थ शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं या नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। तो शेयर होल्डर फंड
नेटवर्थ कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम नेट वर्थ को भी समझ लेते हैं, या जिसे हम शेयर शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड, तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो आप सिंपल ईएटी या पीएटी डिवाइडेड शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इक्विटी शेयर, जैसे यहाँ पे था रिटर्न ऑन इक्विटी तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर लिया। अब यहाँ पे हम शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो हम सिंपल यहाँ पे शेयर कैपिटल देखते, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और बताइए रिजर्व शेयर नेटवर्थ पता चल गया हम ऑर्गेनाइजेशन की, शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, देन इसके अंदर से भी हम फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे। वैसे बहुत रेयर कंडीशन में हमें फिक्टिशियस एसेट्स की इंफॉर्मेशन होती है, अगर गिवन हो तो फिक्टिशियस एसेट्स लेस कर देंगे। फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या आता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियर एक्सपेंसेस, फाइन। तो हमारा ये नेटवर्थ आ जाएगा। तो ये आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया है। नेटवर्थ क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फिक्टिशियस असेट्स, फाइन। देन हमारा हो गया है बेस्ड ऑन कैपिटल। देन अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन सेल। बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन सेल। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले ध्यान ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बस मेन चीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। मोटी मोटी चीज ये जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब हमने यहाँ पे देखे लास्ट टाइम हमने बात की थी बेस्ड ऑन कैपिटल, ऑन तो ऑन में हमने कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल भी कैपिटल ही है ऑन। अब जैसे यहाँ पे बेस्ड ऑन सेल है तो ऑन में क्या होगा? सेल, सिंपल। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल, सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल। और ये चीज हमारा परसेंटेज में निकलता है, और जो हमने बेस्ड ऑन कैपिटल का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट ऑन परसेंटेज, फाइन। ये परसेंटेज निकलेगा, मतलब इसका जो भी कैलकुलेट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑल ये सब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे। इसका आंसर हमारा किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा।
ऑन सेम मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अब नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। फाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो और यही चीज हमसे पूछी जाती है बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो और एक चीज ऑपरेटिंग रेशियो बात कर लेते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखिए फ्रेंड्स सिंपल था मैं बताना चाह रही हूँ ये आपको कि रेशियो इतना कोई टफ नहीं है। एक बार हमें इसका बेस समझ आए तो क्वेश्चन में हमें हमसे किसी भी तरह के रेशियोज पूछ सकते हैं तो हमें उस वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल है तो सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट 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 तो ऑलवेज प्रॉफिट हमेशा सेल पर बेस्ड होता है। हमने देखा है सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो प्रॉफिट आ रहा है तो सिंपल हमें समझना है तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे भी प्रॉफिट है यहाँ पे भी प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100 ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। फाइन तो इसमें हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये फॉर्मूला तो हमें बताया नहीं गया कि ये कैसे होगा। तो बेस प्रॉफिट डिस्कस हो रहा है तो मतलब समझ जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ ले आपसे या कुछ भी आपसे पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप सोचोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है तो प्रॉफिट हमने यहाँ पे देखा था ये हमने इक्वेशन लगाया था सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा सेल्स माइनस जैसे हमने यहाँ पे देखा था ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स मतलब नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स दिस 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 सब लेस हो जाएगा देन हमारा ये जो प्रॉफिट आया दैट इज कॉल्ड ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा हमारा क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स नहीं कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम सॉरी ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा क्या क्या होता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें डिफाइन कर देती हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस किसी बिजनेस को ऑपरेट करने में क्या क्या एक्सपेंस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस।
कॉस्ट, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। देखिए ये हमने प्रॉफिट नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमें सिंपल हमसे पूछा जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, तो हम इसे देख कर भी बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। फाइन, कोई कंफ्यूजन? ऑपरेटिंग कॉस्ट से समझ में ऑपरेट कि बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंस हमें हमारे होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सारे एक्सपेंस को लेस करें तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। देन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सेल माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना? फाइन, सारा हमने डिस्क्राइब कर लिया इसे, तो क्लियर हो गया हमारा बेस्ड ऑन सेल्स हो गया। कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो कंफ्यूज ना होए आप। देन लास्ट हमारा लिक्विडिटी हो गया है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, मार्केट टेस्ट रेशियो, इसमें एक स्लैश करके एक कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी लिख लीजिए इसमें, या जिसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, या हमें से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फाइन, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, मार्केट टेस्ट रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये थोड़ा बड़ा है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो आज हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लर्न किया, समझा कि कैसे होता है, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या रेशियोज इसके अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देन फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इजी से इजी मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इतने सारे रेशियो, मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसमें अब क्या होगा, इतने सारे रेशियोज से हम कैसे लर्न करें, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, तो इसका एक बार बेस समझ में आ जाएगा कि डिवाइड में क्या आ रहा है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग मे दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।